धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर कथावाचक बहुत बहुत सम्मानित आगरा से पधारे समय चैतन्य जी का, और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बहुत नजदीकी पारिवारिक रिश्ते रहे भाई एसआई कुलदीप जी, छोटे भाई संदीप जी, और आज के जो आयोजक हैं आदरणीय सुरेश चंद यादव जी, और उनके पूरे परिवार को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं कि आज के समारोह में मुझे आमंत्रित कर आपसे मिलने का मौका तो दिया ही, साथ में जो यहाँ मंच पर बुलाकर मेरा सम्मान किया, और आज से पूर्व में भी जब जब मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, जिस तरीके से इस परिवार ने, इस गांव ने मेरा सम्मान किया है, उसके लिए मैं सभी माताएं बहनों का, सभी बुजुर्गों का, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये बात सच है कि ये क्षेत्र, ये गांव, ये हमारे घर जैसा है। वो इसलिए है, नेताजी ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत करी तो इसी क्षेत्र से शुरुआत करी, और ये भी हम भली भांति जानते हैं कि इस मैनपुरी लोकसभा से जो सहयोग नेताजी को मिला उसी का परिणाम था कि पूरे देश के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी के नाम से जाने गए। जिस तरीके से आप लोगों ने ऐतिहासिक मतों से हर बार जिताया है, और इस बार जबकि नेताजी के ना रहने पर आदरणीय डिंपल जी जब इस चुनाव मैदान में आई तो नेताजी से भी ज्यादा मतों से जिताकर यह आप लोगों ने साबित कर दिया कि ये क्षेत्र नेताजी के नाम पे ही आगे बढ़ने का काम करता है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि अच्छे भले में किसी के जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क साध सकें, गांव देहात की क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो अपने लोगों की सुन सकें, क्योंकि काम होना तो बात की बात होती है। कोई शिकायत करता अगर आपके पास आता है, अगर आप उसकी शिकायत सुन लेते हैं, काम होना हो अगर उसकी शिकायत सुन ली तो आधा काम उसकी संतुष्टि वही हो जाता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिकायतों को सुन सके। साथ में ये बात भी है कि नेताजी द्वारा जिस तरीके से समाजवाद को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैलाया गया, विभिन्न विभागों द्वारा, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, जब जब सरकार रही कितना विकास हुआ ये आप हम सब ने देखा, और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैनपुरी, इटावा या जसवंत नगर में हुआ हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिला। लेकिन आज जो स्थिति है, कार्यक्रम धार्मिक है, मैं ज्यादा नहीं राजनीतिक तौर पर बात करूंगा, लेकिन क्या स्थिति आज इस प्रदेश की है ये आपको, हमको सबको पता है, किस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का काम ये सरकार करती है। जब उनसे सवाल किए जाएं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों से क्यों सरकार भागती है, तो ऐसे समय पे वो जाति धर्म को लेकर भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं। आज यहाँ पर आचार्य जी बैठे हैं, अभी बहुत बढ़िया बात कहेंगे, उसमें मैं चाहूंगा इस बात को भी समझाएं कि कोई ऐसा धर्म नहीं जो आपस में भाई से भाई को लड़ाने की बात करता, सभी धर्मों को एक साथ रखने की बात करता। ये हिंदुस्तान, इसकी खूबसूरती ही वो है कि इसका संविधान हर वर्ग के लोग को, हर समाज के लोग को, यहाँ तक कि उन लोगों को जो दूसरे देशों से अगर भारत में आ जाते हैं तो उनको भी सहसम्मान जीने का अधिकार देता है। ये हमारा भारत देश है, ये हमारी पहचान है, और इस पहचान को खत्म किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये भय का माहौल हो रहा है, इस माहौल को खत्म करने के लिए जो एकजुटता हमने आपने दिखाई है, इस एकजुटता को हमें आपको कायम रखना है। कोई भी चुनाव हो, कोई भी समय हो, कोई भी घड़ी हो, हर तरीके से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। आपका छोटा हूं, आपके बच्चे की तरह हूं, अगर कोई त्रुटि रही हो तो आपसे क्षमा चाहूंगा,
कहा मैं यही करता हूँ, उम्मीद यही है कि आने वाले समय में भी जिस तरीके से आपने अपना आशीर्वाद बनाए रखा है, इसी तरीके का आप लोग आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। एक बार पुनः चार्य जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, कितने कम शब्दों में इतनी अच्छी बातें जो आपने नेताजी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में कही है। निश्चित ही मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में मैं आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जहाँ भी कथा करेंगे, इन बातों के द्वारा, इन विचारों के द्वारा और समाजवाद का जो संदेश है उसको पहुंचाने का आप काम करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।